श्री राम। आज है मेरा चौथा दिन दिल्ली से अयोध्या का साइकिल यात्रा का, और अभी मैं कल रात को रुका था एक मंदिर में, तो उस मंदिर में अभी कुछ इस तरह से है। यहीं पे हम लोग पीछे सो गए थे अपना, अब यहाँ पे रुक गए हैं। अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, टाइम अभी हो रहा है 8:30 बज चुके हैं अभी एक तरह से पानी है तो। और अभी जो है अभी पूरा कोहरा कोहरा है, इसलिए अभी हम निकल रहे हैं, डिले कर रहे हैं निकलने में। बाकी साइकिल रेडी करना है और निकलना है अभी हमको, ठीक है? तो बस चलो प्रभु का नाम लेते हैं और अपनी यात्रा को अब शुरू करेंगे। जय। सुबह सुबह हमारी सवारी निकल चुकी है अयोध्या के लिए। अभी कुछ दूर पैदल चल रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, उसके बाद तो लंबा ट्रैवल करना है साइकिल से। तो बस चलो चलते हैं। अभी ये भाई अलग हो जाएंगे क्योंकि ये पैदल चलेंगे, वो भाई हमसे 100 किलोमीटर आगे चले जाएंगे, अब मैं रहूँगा बीच में मतलब। तो चलो चलते हैं। अभी तक साथ में थे हम लोग, अच्छा लगा एक रात साथ में रहे। अब अलग अलग होने का समय आ चुका है, तो आगे चाय पी के सब लोग अलग अलग हो जाए। अनूप शहर है 21 किलोमीटर, अभी चलिए चलते हैं। हम आ गए हैं चाय पीने के लिए, चाय अपनी आ गई, चाय पी के फिर निकलते हैं। साइकिल चला के चल लेते हैं, हमें दो भैया मिले। भैया आपका नाम? और आपका भैया? मेरा विनय शर्मा। इन्होंने 100 रुपये दिया है दरबार में चढ़ाने के लिए, जो कि हम रुकन मंदिर में चढ़ा के आएंगे, पर इनके नाम से विपिन शर्मा के नाम से। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं गाना सुनते हुए। अभी के टाइम पे अभी हम अनूप शहर पहुँच चुके हैं, ठीक है? अब अनूप शहर में कुछ देर यहाँ पे कुछ खाना वाना खाएंगे, उसके बाद देखते हैं गंगा स्नान करना हो गंगा स्नान करेंगे, देन उसके बाद हम बरवाला की तरफ आगे बढ़ेंगे अभी, जो कि यहाँ से अभी वो 26 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, तो आराम से हम क्रॉस कर सकते हैं 26 किलोमीटर को, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 1 बजने वाले। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, फिर वहीं पर सोचा है स्टे करने का, अगर नहीं होता फिर उससे आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी चलते हैं खाना खाते हैं किसी ढाबे पे, उसके बाद हम अनूप शहर से आगे आ गए हैं। अभी ब्रिज पे हैं, गंगा नदी, ये अपनी गंगा मैया, और यहाँ पे अपनी साइकिल खड़ी है, और पूरा ये ब्रिज है जो कि अनूप शहर को इधर कनेक्ट करता है। अभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, मन था स्नान करने का बट स्नान नहीं करेंगे, ठंड बहुत ज़्यादा है, कहीं बीमार उमार पड़ गए तो यात्रा डिले हो सकती है हमारी, इसलिए हम स्नान नहीं करेंगे, तो अभी आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलो चलते हैं, प्रणाम गंगा मैया, आगे बढ़। तो अभी हम साइकिलिंग कर रहे हैं अपना और बढ़ रहे हैं इधर भाई, तो काफ़ी दिन के बाद मैं साइकिलिंग करते करते व्लॉग शूट कर रहा हूँ, वरना मैं जहाँ भी शूट करता हूँ रुक के शूट करता था, तो धीरे धीरे हैबिट बना रहा हूँ साइकिलिंग पे व्लॉगिंग करने का। तो प्यार दीजिएगा आप लोग, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए निंजन के वीडियोज़ को, ठीक है? व्लॉग्स आते रहते हैं डेली मेरी यात्रा के। तो अभी हम चल रहे हैं अपनी साइकिल मस्त, चलो आगे बढ़ते। देख रहे हो गाड़ियाँ कैसे आ रही है, धूम धूम, चलो चलते हैं। जय श्री राम। अभी सूर्यास्त होने वाला है, अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजने वाले, और अभी तक हमको जाना है क्योंकि अभी यहीं जो मंजिल है हमारी वो 11 किलोमीटर भी आगे है, तो बस टारगेट हमारा 1 घंटे के अंदर में हमें 11 किलोमीटर, अभी आराम से चले जाएंगे वैसे तो दिक्कत नहीं है। तो बस वैसे काफ़ी थक गए हैं आज, तो बस चलो फिर चलते हैं आज। अभी वहाँ एंड तो बताएंगे आज हमने कितने किलोमीटर साइकिलिंग करी है, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। जय श्री राम। पहुँच गए हैं जहाँ पे हमारे रुकने की व्यवस्था हो गई है, तो अभी आज हम ये रुकेंगे, और मेरा फ़ोन तो पूरा डिस्चार्ज हो गया था, तो अभी मैंने चार्ज में लगाया, पावर बैंक है तो चार्ज में लगाते हैं, फिर एडिट करेंगे वीडियो को, कुछ इस प्रकार का मंजिल है, फिर कल यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? तो इस ब्लॉग को मैं यहीं खत्म करता हूँ, ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और बस कमेंट में लिखिए जय श्री राम, आइए पीछे हमारे प्यारे मंदिर। बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।